Hey guys, Satish here, I'm back with another video. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी किसी भी वीडियो के अंदर सब्सक्राइब और कस्टम बेल नोटिफिकेशन एनिमेशन को अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हो। गाइस, इसे ऐड करना काफ़ी आसान है। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कुछ इस टाइप का एनिमेशन ऐड करना मैं बताऊँगा। तो गाइस, चलिए चलते मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर जहाँ मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मैंने अपना शॉर्टकट वीडियो एडिटर ओपन कर लिया है और एक वीडियो इंपोर्ट कर ली है जिस वीडियो में मुझे ये एनिमेशन ऐड करना है। तो गाइस, मैं दूसरी वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ग्रीन स्क्रीन वीडियो। गाइस, इस वीडियो का डाउनलोड करने का लिंक है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। उस लिंक को फॉलो करके आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये टोटली फ्री टू यूज़ है। देन गाइस, अब हमें क्या करना होगा, एक वीडियो ट्रैक ऐड करना होगा इस करंट वीडियो के ऊपर। देन इसको हम ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे, इसकी पोजीशन सेट कर लेंगे। जहाँ भी हमको इसको चाहिए होगा, इस वीडियो को, वहाँ पर हम इस पोजीशन को सेट कर लेते हैं। मैं एक बार इस वीडियो को प्ले करके देख लेता हूँ इसकी पोजीशन। कर सकते हो गाइस, इसे ऐड करना काफ़ी आसान है। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कुछ इस टाइप का एनिमेशन ऐड करना मैं बताऊँगा। तो गाइस चलिए, तो गाइस इसकी पोजीशन सेट है। अब हमें क्या करना होगा, इस वीडियो पे क्लिक करेंगे हम। देन इसके बाद में फिल्टर्स पे क्लिक करना होगा। देन इस प्लस साइन पे, देन वीडियोस पे, देन गाइस इसके बाद में हमें क्रोमा की सिंपल इस फिल्टर पे क्लिक करना होगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट ग्रीन स्क्रीन गॉन हो चुकी है, ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है इसका, थोड़ा बहुत है। तो मैं इसको यहाँ डिस्टेंस से इसको राइट साइड में ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये रिमूव होता जाएगा। तो गाइस, आई थिंक ये रिमूव हो चुका है, मैं एक बार जूम करके देख लेता हूँ। हाँ गाइस, ये टोटली रिमूव हो चुका है, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। गाइस, अब हमें क्या करना है कि ये काफ़ी बड़ा है, ये वीडियो काफ़ी बड़ी है, एनिमेशन काफ़ी बड़ा है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें एक और फिल्टर का यूज़ करना पड़ेगा जो कि है रोटेट एंड स्केल। रोटेट एंड स्केल फिल्टर पे हमें स्केल पे स्केल सेट करना पड़ेगा। इसका स्केल मैं 50% कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग, 50% पे सही है ये। देन गाइस, इसकी पोजीशन हम सेट कर सकते हैं एक्स ऑफसेट से एंड वाई ऑफसेट से। ठीक है, एक्स ऑफसेट में हम सेट करेंगे तो इस साइड में होगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, या वाई ऑफसेट सेट करना होगा तो हमें अप से डाउन, डाउन से अप। तो गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे एक्स एक्स ऑफसेट के अंदर मैं ये लेफ्ट साइड में लेके जाऊँगा तो लेफ्ट में जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। एंड वाई ऑफसेट की पोजीशन सही है, तो अगर वाई की पोजीशन आपको सेट करनी होगी तो यहाँ से ऐसे करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी पोजीशन ऑलमोस्ट सही हो चुकी है। गाइस, अब मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ऐसे हम किसी भी वीडियो के अंदर ये एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, आप इसको किसी भी वीडियो पे ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्थी, स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।